देखो, उसे देखो। क्या हो गया? हम लोग बेगुनाह हैं। सही कह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। देखिए अंकल, हमें आप लोगों पर कोई शक नहीं है। ये जरूर किसी भूत का काम है, नहीं तो ऐसे रमिया इतने जल्दी कैसे मर सकती है। शुरू से ही हमें जरूर कोई भूत फॉलो कर रहा है। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है। शहर पहुँचने में और कितना टाइम है। अरे अरे, और 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, जल्दी चलो ना। हाँ जल्दी चलो। शांति देवी आप ही है ना? हाँ मैं हूँ सर। आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर आइए सर। जूते पहने, चलेगा? कोई बात नहीं सर, अंदर आइए। थैंक यू। बैठिए सर। हाँ। आप जानती है कौन है? नहीं जानती सर। जिस दिन आपकी बेटी का खून हुआ था, उस दिन वो अपने ससुराल जा रही थी ना? हाँ सर। आपका और उसके ससुर जी का कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनका नंबर है आपके पास? क्या हुआ सर? बस ऐसी इंक्वायरी करने के लिए। नंबर तो है सर, लेकिन मेरी छोटी बेटी को पता है। ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है? वो ट्रिप पे गई है सर। अच्छा तो एक काम कीजिए, ये मेरा नंबर है, उसके आते ही फोन कर लीजिए। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। नमस्ते। एम्बुलेंस को फोन करो। संभाल के लगा यार। हेलो एम्बुलेंस। हाँ
अरे राम। अंडी आप बैठो, जल्दी चलो। अंकल आप लोग इस गाड़ी से जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना, हमारी गाड़ी पीछे ही है। ठीक है। लिफ्ट। भैया ये किसका गाड़ी है? ड्राइवर भाई जरा रोको। रोको। कृष्णा देख कोई बेवड़ा आदमी बी के गाड़ी चलाया होगा, देखो पेड़ में ठोक दी, पूरी गाड़ी का तो सत्यानाश हो गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, जरा गौर से देखो उसको, किसका गाड़ी है वो? अरे इसकी, अरे ये तो अपनी गाड़ी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जल्दी कर। अरे अरे ये, अरे भैया गाड़ी के अंदर एक लाश है पीछे। हाँ मैं आ रहा हूँ, तू हट जरा। उधर देख भैया। अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? ये आप क्या बोल रहे हो भाई, सब लोग उस लाश के पास बैठा रहेगा क्या? अरे किसने गाड़ी चलाया, जब गाड़ी चलानी है तो काहे को चलाया? भाई मुझे पैसा दो, मुझे जाना है। तुम जाओ। सब देखकर मैं सोच रहा हूँ आपके साथ क्यों आया था मैं, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके गाड़ी का काम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझको, मुझे पैसा देकर हिसाब कर दो, घर जाना है मुझे। बेवकूफ कहीं के, मेरी गाड़ी की हालत देख रहा है, तेरे को पैसे की जरूरत पड़ी है? थू। हेलो सर, मैं अमजद बोल रहा हूँ। सर वो मटकरी ट्रिप के लिए गाड़ी बुक किया था ना मनोज ने, सर हमें बिना बताए गाड़ी को चलाकर एक पेड़ से ठोक दिया है सर। और सर उस गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी भी पड़ी है। हाँ ठीक है साहब। भैया बॉस ने क्या कहा? नमक हराम कहीं का। कृष्णा क्या हुआ तुझे? घंटा हुआ नहीं तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा वैसा काम क्यों कर रहा है? पुलिस वाले को काहे को फोन किया? अरे अगर पुलिस को फोन नहीं किया तो अपने ऊपर आ जाता है कृष्णा। हाँ कुछ भी कर, चाहे तू जी चाहे तू मर, मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। ए कृष्णा थोड़ा चुप रहना, थोड़ी ही देर में पुलिस आती होगी। हाँ, आ जाएंगे, वो आके यहाँ वाट लगाएंगे। बेवकूफ हरामजादे, तू ही तो मुझको लेकर यहाँ आया था ना, वहाँ गांव में मेरी माँ मेरी शादी धूमधाम से कराना चाहती है और तुम यहाँ पर मुझे दलदल में फंसाने की बात कर रहे हो। ईमानदारी से मेरा हिसाब दे दे, नहीं तो। ए कृष्णा शांत, तुझे पैसा चाहिए ना बस। मैं देता हूँ, ये ले। अब आया ना लाइन पे, ये ले। पहले क्यों नहीं दे दिया, दिमाग घुटने में है क्या तेरा? लाश की रखवाली कर, पुलिस आएगा तुझको जेल लेके जाएगा। बॉडी बड़ा है इसका लेकिन दिमाग छोटा है साले का, समझता नहीं है मेरी बात को। छे पता नहीं क्या हो गया इस मोटे गेंडे को।